फ्राइडे पर दौलतपुरा दिल्ली हाईवे पर शराब ठेकों पर बिक रही है धड़ल्ले से खुलेआम शराब। रोज 8 बजे के बाद भी बैकडोर सेल्स रेट पर भी मनमानी। ढाबों और होटलों तक अवैध सप्लाई देर रात बिक रही है शराब। सरकार के नियम कायदों को बताते हुए रात्रि 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रखकर धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। ये सारा खेल दौलतपुरा थाना और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण शराब ठेकेदार अजमेर दिल्ली हाईवे पर अपने ठेके के गोदाम की दुकानें खुली रखकर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में ड्राई डे घोषित किया था। इसके बाद भी सोमवार देर रात पंकुड़ी होटल के पास संचालित शराब ठेके पर खुलेआम महंगे दामों पर शराब बेची जा रही थी। रोड नंबर 14 से लेकर चंदवाजी तक हाईवे पर गोदाम खुले हुए हैं। इन दुकान गोदाम व अवैध ब्रांच पर देसी व अंग्रेजी शराब के साथ ही बियर की भी मनमानी रेट वसूली जा रही है। हाईवे पर खुली दुकानों पर 8 बजे के बाद शराब बैकडोर की सेल्स होती है। लोगों ने कई बार आबकारी अधिकारी और को शिकायत भी की, लेकिन कुछ दिन बाद बंद होने के बाद ये फिर से चालू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शराब गोदाम मालिक अब तो ढाबों पर भी अवैध तरीके से शराब सप्लाई कर रहे हैं। आबकारी पॉलिसी के अनुसार एक दुकान पर 2 सेल्समैन लगा सकते हैं, लेकिन आबकारी में 2 सेल्समैन का नाम देकर दुकान व गोदाम से बिक्री को लेकर 2 से अधिक सेल्समैन लगा रखे हैं। हमारे संवाददाता ने दौलतपुरा थाने क्षेत्र में अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित पंकुड़ी होटल एंड रेस्टोरेंट के पास संचालित शराब गोदाम पर शनिवार रात 10:30 बजे तक शराब के ठेके से शराब बेची जा रही थी, वह भी मनमानी रेट वसूल कर। आपको बता दें, आबकारी विभाग के नियमानुसार शराब की दुकान पर रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए, लेकिन हाईवे पर संचालित शराब ठेक पर ज्यादातर दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है। इससे ठेकेदार व सेल्समैन देसी व अंग्रेजी बियर के ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। ज्यादा रेट वसूलने की शिकायत के बावजूद पुलिस और आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाईवे पर खोली गई दुकानों के पास शराब पीने की सुविधा भी है। अजमेर दिल्ली हाईवे और सीकर रोड पर दुकानों के पास वाली खाली जगह पर दुकान किराए पर लेकर ठेकेदार ये सुविधा देते हैं ताकि उनकी दुकान में ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो। सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय है निर्धारित। मालूम हो, राज्य सरकार की और प्रदेश की मदिरा बिक्री दुकानों के लिए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक का समय निर्धारित किया हुआ है। निर्धारित समय के बाद शराब की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। आबकारी विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशित हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आंखें मूंद है लेने के कारण दुकानदारों के हौसले बड़े ही बुलंद है। स्पेशल कमरों में परोसी जाती है ढाबों पर शराब। होटलों में बनाए स्पेशल कमरों में देर रात तक शराब परोसी जाती है। होटल संचालकों ने शराब पेश करने के लिए स्पेशल कमरे बना रखे हैं। देर रात शराब के शौकीनों को भरोसा दिलाया जाता है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। खुद दुकानदारों ने अपनी दुकानों के पास कमरे बना दिए। 8 बजे बाद गैर कानूनी मैखानों में लोगों को बैठाकर शराब परोसी जाती है। दुकानें, होटलें और ढाबे रसूखदार के होने से अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाईवे पर संचालित होने वाले इन ढाबों पर बार व होटलों की तरह ग्राहकों को सुविधाएं मुहिम कराई जा रही है। यहां तक कि विशेष तौर पर अलग से फैमिली रूम बनाकर भी शराब परोसने का कारोबार किया जा रहा है।